क्या बात है भाई परेशान और घबराए से लग रहे हो शर्वानी चाहिए मुझे नफरत है मुझे इस दुनिया से नहीं जीना चाहता मैं यहां हेलो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं चले जाइए यहां से प्लीज चले जाइए ओ आपको दुख हुआ सॉरी कौन है आप मैं एक सोशल वर्कर हूं और समाज सेवा के लिए काम करता हूं सोशल <laughs> वर्कर <laughs> किसकी सुनी जाती है यहां किस पे भरोसा किया जा सकता है मीडिया पॉलिटिक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर ये बड़े बड़े संत महात्माएं ये सब ये सब फिल्मों की तरह हैं और आप और आप कहते हैं मैं मैं सोशल वर्कर हूं क्या सही है क्या गलत है किसे क्या करना चाहिए हमारा धर्म क्या है हमें किस लिए भेजा गया है यहां हम कौन है हम क्या है हमारा मकसद क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता यहां इंसान अपनी इंसानियत को खो चुका है अपने आप के लिए मर रहे हैं सब और आप और आप कहते हैं मैं सोशल वर्कर हूं वैसे मैं आपके जिस बात की कदर करता हूं जानना चाहूंगा कि इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आई कहां से क्या वजह है इसकी जो आप इस तरह परेशान हैं उस दिन को जब जब याद करता हूं दिल सीने से निकल कर बाहर आ जाता है अपने आप को संभाल नहीं पाता हूं मैं ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक आजकल के युग में हर इंसान के साथ होती रहती है पर वो इस कदर अपना संतुलन नहीं खोते अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं इंसान के रूप में भगवान थे वो क्या सोच थी उनकी क्या भावनाएं थी उनकी क्या आकांक्षाएं थी उनकी किसकी बात कर रहे हैं आप कौन है मेरे रागवन. रागवन वो मेरे मिडिल स्कूल टीचर सर एस के राघवन राघवन सर ओ हाँ कौन नहीं जानता उन्हें यहां आसपास के गांव के बच्चे बच्चे तक तो जानते हैं उन्हें और मैं तो कई बार मिल चुका हूं उनसे और सुना है कि आजकल उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है रिटायरमेंटी के बाद राघवन सर ने अपना एक ट्रस्ट शुरू किया मैं भी जीना चाहता हूं इस ट्रस्ट के माध्यम से वो गरीब बेसहारे और लोडबंद बच्चों की मदद किया करते थे गांव शहर कहीं भी उन्हें ऐसे बच्चे मिलते तो उन्हें वो अपने आश्रम में रखकर उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना से लेकर शादी तक का जिम्मा उसी संस्था का था सर इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे माई डियर राघवंश सर के पास इतने पैसे आते कहां से थे जो वो उन बच्चों के ऊपर खर्च करते थे राघवंश सर ने जब जैसा संस्था शुरू की तो पहले उनके साथ रिटायर टीचर जुड़े उन्होंने आपस में मिलकर पैसे लगाए संस्था शुरू हो गई गांव के सहयोग से बच्चे बढ़ने लगे गांव का सहयोग भी बढ़ने लगा और राघवन खुद गांव से लेकर शहर के अमीर बिजनेसमैन लोगों से डोनेशन लेने लगे बहुत ही कम समय में यह संस्था ऊंचाई की बुलंदियों को छू चुका था लोगों में इंसानियत का रंग खूब दिखने लगा था और लोग खुलकर सहयोग भी कर रहे थे तो आगे क्या हुआ एम एल ए का इलेक्शन होने वाला था तैयारियां जोरों पर थी हमारे एरिए का लीडर था और गहलोत चीफ कैंडिडेट ऑफ एम एल ए हंड्रेड परसेंट चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट था पिछले पांच सालों में उन्होंने इलाके की बर्बादी कर दी थी करप्शन के खजाने थे उनके पास उसके सामने किसी का पस नहीं चलता था राघवंशर ने भी मीटिंग बुलवाई लाखों की भीड़ थी सर ने लोगों से अपील की कि अपने पिछले पांच सालों की बर्बादी को याद रखते हुए आप अपने अच्छे भविष्य के लिए ही वोट करें और राघवंशर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लोगों ने बीच में हंगामा करना शुरू कर दिया सब समझ रहे थे कि राघवंशर क्या कहना चाहते हैं और सुबह होते ही सभी न्यूज चैनल न्यूज पेपर की हेडलाइन थी कि करोड़ों बेसहारे बच्चों का भविष्य बदलने वाला सर सलाखों के पीछे गहलोत ने सर के खिलाफ कई गलत इल्जाम लगाए सारे का सारा सिस्टम बिक चुका था पब्लिक सपोर्ट की वजह से सर की रिहाई तो हो गई मगर अपनी इंसानियत पर लगी चोट को वो शायद कभी बुरा नहीं सर सच में महान व्यक्ति हैं ऐसी सच्ची सोच और नेक इरादे हर किसी के पास नहीं होते मैं मैं उनसे मिलना चाहता हूं कहां मिलेंगे वो दुनिया में नहीं रहे तो ये थी राघवन सर की एक अमूल्य दिन सर ने जो उन गरीब बेसहारा बच्चों के लिए किया वो वाकई में अद्भुत है मगर आप क्या चाहते हैं क्या वजह है आपकी परेशानी की मैं इस संस्था को फिर से शुरू करना चाहता हूं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आप मेरे साथ हाथ मिलाइए मैं आपसे वादा करता हूं हम दोनों मिलकर इस संस्था को फिर से वही पहुंचाएंगे जहां से राघवंशर छोड़ गए थे हम दोनों मिलकर इस संस्था के लिए पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में काम करेंगे और राघवन सर की इस इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे बढ़ेंगे हाथ से हाथ जागेगा इंसान समझेंगे अपने इंसानियत को बढ़ता रहेगा मानवता की पहचान